हे गाइस, दिस इज वेलकम बैक। आई एम चंदन श्री सी के सोनू। आज सेकेंड क्लास होगा क्राउन सामान्य ज्ञान का। पिछले क्लास में हम आपको केमिस्ट्री में बोले थे लूसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है, लेकिन कोई नहीं शायद उसको गेस कर पाए हैं कि सर गलत बुक का नाम लिए हैं वीडियो में। मैं आप लोगों को टेस्ट कर रहा था कितने लोग ये पता कर सकते हैं, लेकिन किसी ने कमेंट अभी तक नहीं किया है कि सर आप रॉन्ग बोल रहे हैं या सर ये क्राउन सामान्य ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं कोई बोला। जबकि वीडियो के फर्स्ट में ही लूसेंट सामान्य ज्ञान हम बोले हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो फिर से जाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या हमें बोलना चाहिए था और क्या बोलकर हम वीडियो स्टार्ट किए थे। किसी ने नहीं बोला, बताइए कितना ध्यान आप लोग का इधर उधर है, ठीक है। तो चलिए उन सारी बातों को छोड़कर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज सेकेंड क्लास है क्राउन सामान्य ज्ञान का। आज पढ़ेंगे हम लोग इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे प्राचीन भारत का, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास चलेगा, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास चलेगा। आराम से धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते चलेंगे, ओके। तो आज है सेकेंड क्लास, तो हम लोग शब्दावली के आसपास हम लोग छोड़े थे, ठीक है। शब्दावली से आगे हम लोग चलेंगे प्राचीन भारत का इतिहास में। तो अगला जो है टॉपिक है सिक्के। सिक्के के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सिक्के के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सिक्के के बारे में सबसे पहले बात आती है तो हम बात करेंगे भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं थे। याद रखिएगा, भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। ये भी क्वेश्चन उठ सकता है, साहित्य में इन सिक्कों का कासापर्न कहा गया है। कासापर्न कहा गया है, यह सामान्य ज्ञान, ये लूसेंट का नहीं है, क्राउन का है। एक बच्चा भी कमेंट कर रहे हैं कि सर लूसेंट है क्या, अब आपको दिमाग खुला है। नहीं, ये देखिए आपका क्राउन सामान्य ज्ञान, ठीक है। क्राउन सामान्य ज्ञान से हम लोग चर्चा करते हैं। साहित्य में इन सिक्कों को कासापर्न कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। पुराने ज़माने में जो सिक्का होता था वो होता था तांबा, चांदी, सोना और शीशा से बनता था, ठीक है। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती थी। जैसे जैसे बीतता गया उस टाइम में भी थोड़ा दिमाग खुलते गया तो सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम आने लगे और साथ में तिथियां भी होता था, ओके। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। सोना का जो सिक्का है सबसे पहले कुषाण राजाओं ने उसको लॉन्च किया था। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं ये चीज़ लॉन्च होने वाला है, तो उसी तरह से लॉन्च किए थे कुषाण राजाओं ने, सर्वप्रथम कुषाण के राजाओं ने। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है,
के गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। कहेगा आपको सोने के सिक्के, कौन सा शासक किया था सबसे ज़्यादा, तो किया था गुप्त शासक। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए देखा गया है, बीना बजाते हुए देखा गया है, याद रखिएगा। सातवाह ने शीशे के सिक्के जारी किए। सातवाह याद रखिएगा, शीशा का जो सिक्का है कौन यूज किया था, तो सातवाह ठीक है। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे, बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है। कह रहा है कि गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार, स्वर्ण जो सिक्का रहता था गुप्त काल में उसको दिनार बोला जाता था, एवं चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। रूपक याद रखिएगा, रूपक। अभिलेख, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा सभी एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो भी हम बताने वाले हैं। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम पत्रों पर मिलते हैं, तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं ठीक है। याद रखिएगा, अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम्र पत्तों पर मिलते हैं, तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों की मूर्तियों पर भी देखने को मिलता है ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है ठीक है। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश मौर्योत्तर गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है ठीक है। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां याद रखिएगा, प्राकृत लिपियां, पहला है प्राकृत लिपियां, आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है ठीक है। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है ठीक है, याद रखिए। ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं ऐसे होगा, यहाँ से इधर साइड, ब्राह्मी लिपि। और प्राकृत लिपि में क्या था, आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है ठीक है। और ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती ठीक है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहने का मतलब है कि ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि हम जो बताए हैं आपको, उसमें से क्वेश्चन उठ सकता है, आरंभिक अभिलेख पूछेगा तो कौन सा है, प्राकृत भाषा में लिखा गया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। खरोष्ठी लिपि अगला है, तो खरोष्ठी लिपि में अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है, अशोक के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है ठीक है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि हो गया बाएं से दाएं, खरोष्ठी लिपि हो गया दाएं से बाएं। और अगला है यूनानी एवं आरामाइक लिपि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है, यूनानी एवं आरामाइक लिपि। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो शिलालेख मेरठ एवं टोपरा में मिले हैं। मेरठ कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है, नहीं सॉरी
मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, टोपरा पड़ता है हरियाणा में, टोपरा पड़ता है हरियाणा में, ओके याद रखिएगा। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो शिलालेख, मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? एगो उत्तर प्रदेश में, एगो हरियाणा में। तो उत्तर प्रदेश में बना है तो मेरठ में, तो और हरियाणा में बना है टोपरा में, ठीक है। जिन्हें दिल्ली लाया गया, दोनों को दिल्ली ला लिया गया है, ठीक है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक, याद रखिएगा ये 10 है ना, महत्वपूर्ण अभिलेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शासक, उसके बाद फिर अभिलेख का बात बताएंगे, ठीक है। तो शासक हो गया एक तरफ, अभिलेख है। तो शासक पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो रहेगा वो अभिलेख रहेगा। तो समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के थे। अभिलेख क्या है? प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद, रुद्रदामन, शक, जूनागढ़ अभिलेख, ओके। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में। स्कंदगुप्त, गुप्त वंश के हैं। भित्री स्तंभ लेख गाजीपुर, ओके। और चौथा नंबर में खारवेल, है कलिंग। हाथी गुम्फा अभिलेख पुल, खारवेल कलिंग में है। हाथी गुम्फा अभिलेख पुलकेशिन सेकेंड चालुक्य वंश से। एहोल अभिलेख, नाम है एहोल अभिलेख। राजा भोज प्रतिहार। ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश। आप स्क्रीन पे इधर साइड आ रहा है उसको आप देखकर ध्यान लगाइए, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विजय सेन दो पाड़ा अभिलेख। हर्षवर्धन मधुवन एवं बासखेड़ा हर्षवर्धन वर्धन वंश से आते हैं। यशोधर्मन मालवा नरेश मंदसौर प्रशस्ति। और अगला है गौतमी बलश्री सातवाहन नासिक अभिलेख, ठीक है। अगला टॉपिक है अभिलेख विशिष्ट तथ्य, पॉइंट वाइज करके हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है, ठीक है। सेकेंड है पुलकेशिन सेकेंड का एहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रहक हरिसेन ने की थी, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रह हरिसेन ने किए थे, ओके। तो दोस्तों अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगले पेज में। कह रहा है अगला पॉइंट कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का मतलब है गोपराज नामक सैनिक की पत्नी। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में
सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। ओके, और अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। क्या था उनका उद्देश्य? तो संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। और अगला है तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त एक को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुरनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। हुरनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जननेन्द्र कहा गया है। ठीक है, जननेन्द्र कहा गया है। चंद्रगुप्त सेकेंड के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ में मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉइंट वाइज पॉइंट सिर्फ पढ़, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, आपको कान लगाए हुए रखना है, वीडियो को देखते रहना है, आपको याद हो जाएगा। विदेशी अभिलेख, विदेशी अभिलेख कौन कौन से थे भाई? तो बोगाज कोई से 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य के नाम उल्लिखित है। वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य के नाम उल्लिखित हैं। ठीक है, और सेकेंड है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस क्या था? यूनानी राजदूत था। ठीक है, हेलियोडोरस क्या था? यूनानी राजदूत। हेलियोडोरस का वे सनगर विदिशा का गरुर स्तंभ लेख भागवत धर्म की जानकारी देता है। भागवत धर्म की जानकारी देता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेख, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेख। अब लेख कौन कौन से आधुनिक लेख उसको हम लोग जान लेते हैं। तो है 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया है। जेंटू लॉज के नाम से कराया गया है। ठीक है, 1700 कब कराया गया था? 1776 ईस्वी में, याद रखिएगा। सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, तो सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे कौन? सर विलियम जोन्स। ठीक है, और सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, और अगला है विल्कंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विल्कंस ने 1785 में। ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया। ठीक है, सुव्यवस्थित इतिहास का प्रस्तुत किया गया था। और अगला है ब्रिटिश इतिहासकार ए एल बैसम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखी। ब्रिटिश इतिहासकार ए एल बैसम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखी। और अगला पॉइंट है डी डी कौसम्बी याद रखिएगा। डी डी कौसम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी ऑफ इंडिया हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक का नाम हम लोग
देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेखक का नाम लिखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे रचना। विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर रचना है। मिताक्षरा, मिताक्षरा। जीमूतवाहन, जीमूतवाहन। दायभाग, दायभाग। कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम। मालवी, मालवी। कागनी मित्रम, मालवी कागनी मित्रम। रघुवंश, कालिदास का कौन कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवी कागनी मित्रम, रघुवंश। और विशाखादत्त, विशाखादत्त का है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक, शूद्रक का है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। वात्स्यायन कामसूत्र, वात्स्यायन कामसूत्र। राजेश्वर, राजेश्वर ने राजशेखर, राजशेखर। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण। ओके, बानभट्ट है हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र। विल्हन है विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र। अमर सिंह है अमरकोश। पद्मगुप्त, पद्मगुप्त। नवसाहसांक चरित्र, नवसाहसांक चरित्र है पद्मगुप्त। सोमदेव, सोमदेव है ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज। मेरुतुंग, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि। अतुल मुसिक वंश, मुसिक वंश अतुल। नागसेन मिलिंद पानहो, मिलिंद पानहो नागसेन। ब्राह्मिहिर बृहत संहिता, बृहत संहिता ब्राह्मिहिर। भावभूति उत्तर रामचरित्र, उत्तम रामचरित्र भावभूति। दंडी काव्यादर्शन, दंडी काव्यादर्शन। हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी। कुमार पाल चरित्र, कुमार पाल चरित्र। जयदेव गीत गोविंद, जयदेव गीत गोविंद। भास चारुदत्त, स्वप्न वासवदत्ता, स्वप्न वासवदत्ता। और चारुदत्त कौन? तो भास। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, विष्णु शर्मा पंचतंत्र। अश्वघोष बुध चरित्र। सूत्रालंकार, सूत्रालंकार बुध चरित्र और सूत्रालंकार अश्वघोष। वेद व्यास भगवत गीता महाभारत, वेद व्यास। भर्तृहरि, भर्तृहरि भक्ति शतक। क्षेमेंद्र शतावतार, क्षेमेंद्र देखिएगा, क्षेमेंद्र दशावतार चरित्र, दशावतार चरित्र क्षेमेंद्र। कामंदक नीतिसार, कामंदक नीतिसार। भारत है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण। गोस्वामी तुलसीदास रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानस गोस्वामी तुलसीदास। हरिसेन बृहत तथा कोश, बृहत तथा कोश। माघ शिशुपाल वध, शिशुपाल वध माध। सारंगदेव संगीत रत्नाकार, सारंगदेव संगीत रत्नाकार। सुश्रुत, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता। नागार्जुन सत सहस्रिका, सत सहस्रिका नागार्जुन। बिहारी सतसई, सतसई बिहारी। नारायण भट्ट हितोपदेश, हितोपदेश। सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी, कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर कात्यायन, कात्यायन। गार्गी संहिता, कात्यायन गार्गी संहिता। ज्योतिष ग्रंथ, गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ। तो
तो एक खड़ा पेज में बस आज का इतना ही। क्या चल रहा था फिर से आपको बताते हैं, तो क्राउन सामान्य ज्ञान चल रहा है, ठीक है। क्राउन सामान्य ज्ञान है, देखिए क्राउन सामान्य ज्ञान, ठीक है, इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज के सेशन में इतना ही, और अगले क्लास में फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे जॉब करने के लिए उत्सुक होते रहें। ओके, तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।